हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैजुअल ट्रैवलर वंस अगेन। और फाइनली जिसका भाई बहुत 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 टाइम से मुझे इंतज़ार था, जो कि मेरा मतलब काफ़ी टाइम से ये ड्रीम था, मुझे ये लैपटॉप लेना ही लेना, जब से मैंने M1 चिप के बारे में सुना। उसके बाद M1 प्रो भी आ गई, सो मुझे था कि M1 मेरे बजट में अब तो आ गई है तो मैं ले लूँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने सीधा ली है M1 प्रो। बिना देर करते हुए, बिना टाइम लगाते हुए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बेंचमार्क की, गीक टेस्ट की, काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, सो मैं वो चीज़ें नहीं करने वाला। मुझे बस अपना जो यहाँ पर एक जो मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करी है उसको अच्छे से एडिट करने के लिए, आप तक अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये मशीन खरीदी है। प्लस मुझे अपने भी काफ़ी सारे काम होते हैं जिसके लिए मुझे चाहिए था। सो ये मुझे US में पड़ा है 1,63,000 का इंडिया के हिसाब से, और इंडिया पे वैसे है 1,94,000। अगर क्रेडिट कार्ड का आप कैशबैक लो तो 10,000 कैशबैक मिलेगा। सो देर ना करते हुए मुझे एप्पल के फोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही कभी मैं जिंदगी में यूज करूंगा। बट एप्पल ने जो ये लैपटॉप निकाला है, शायद से ही इसके मुकाबले में कोई और लैपटॉप होगा मार्केट में इस प्राइस में और इस परफॉर्मेंस के साथ। ये मैं जनरली गारंटी मानता हूँ कि हाँ, इस मुकाबले का लैपटॉप कोई परफॉर्मेंस ऐसा लैपटॉप पूरी मार्केट में नहीं है। महंगे से महंगा लैपटॉप भी अगर आप उठा लो, अगर आप घर पे अपना कंप्यूटर डेस्कटॉप भी बना लो, तो भी ये ऐसी परफॉर्मेंस ही दे पाएगा जो ये देता है। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए फाइनली, सो मेरे चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं कि मुझे जेन्युइनली बहुत टाइम से इंतजार था इस लैपटॉप का। तो इस बॉक्स को हम पहले बॉक्स के कंटेंट देख लेते हैं, इसको हम नीचे रखते हैं। बॉक्स में मिली है ये केबल साथ में, और मुझे शायद से डाउट था तो लेके मैंने बाकी अनबॉक्सिंग वीडियोस भी देखे, तो ये ब्रिक कह लो, चार्जर कह लो, जो भी मतलब कह लो, डॉक कह लो, इसका ये हमें साथ में मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये 65 वॉट्स का चार्जर है। अगर आप कभी भी आप एप्पल का बाय करते हो और अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको उसके नीचे ऑप्शन मिल जाएगा 95 वॉट्स का, जिसमें $20 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे चाहिए नहीं था। मेरे लिए ये बहुत ही इनफ सफिशेंट है, क्योंकि मुझे इतनी हैवी एडिटिंग नहीं करनी अभी के लिए, बाद में अगर करनी हो तो वो अलग बात है। सो ये रहा इसका ब्रिक और ये रही इसकी केबल, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। ये रही इसकी किताब हमने कभी स्कूल में भी नहीं पढ़ी तो यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे। और फाइनली ये रहा, इसको अभी तो ध्यान से संभाल के, ये रहा मेरा लैपटॉप। मैंने लिया है स्पेस ग्रे, क्योंकि मुझे स्पेस ग्रे ही चाहिए था। स्पेस ग्रे का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है सिल्वर के मुकाबले। वाओ, ये जेन्युइनली एक बीस्ट मशीन है ये। एंड और ये खुद ही ऑन हो गया है, मैंने अभी तक कोई बटन नहीं दबाया, सिर्फ इसका ये स्क्रीन खोली है और ये खुद ही ऑन हुआ है। हल्की सी जगह मिल गई पेपर उतारने के लिए, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा डिजाइन बना हुआ है इसका, एकदम स्लीक। यहाँ पे हमें मिलता है चार्जिंग पोर्ट, उसके साथ हमें मिला है दो टाइप सी पोर्ट और एक साथ में 3.5 mm जैक पोर्ट।
इस साइड पे जो मेरा M1 Pro लेने का जो मेन मकसद था वो ये है, इस साइड पर HDMI पोर्ट। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि आप कन्वर्टर भी यूज कर सकते हो M1 के लिए, लेकिन मुझे कन्वर्टर वगैरह ये सब चीजें यूज नहीं करनी, मुझे एक कॉम्पैक्ट चाहिए था जिसके अंदर मैं सब कुछ यूज कर सकूं। एक थंडरबोल्ट सी टाइप एक और है और यहाँ पर यूएसबी है, यूएसबी केबल के लिए टाइप को, तो ये मतलब एक हिसाब से पूरा का पूरा काम इस पे सब कुछ हो जाना चाहिए। सो मैं सेटअप वगैरह अभी कुछ भी नहीं करूँगा, ये मेरी सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो थी। इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है इसका, एंड फाइनली मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में लैपटॉप ओन करा है। मैंने आज तक इससे पहले लैपटॉप कभी नहीं लिया है। एक बार ये ऑफिस के लिए लिया था, वो भी पापा के लिए, वो HP का था जो एकदम बेसिक था। सो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो मैं लैपटॉप ले रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, और आने वाले टाइम पर प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि वो जो आप मैंने आपको एसेसरीज दिखाई थी बेस्ट बाय पर, सो वो लेने के लिए मुझे अपना चैनल बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो मैं सारी एसेसरीज ले पाऊँ। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और प्लीज़ पूरी सीरीज कंटिन्यू आप रखिए, देखते रहिए आप वीडियोस, चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।